ज्ञान संप्रदायना सप्तम कुबेराचार्य अविचल दास जी महाराज ने जगतगुरु नी पदवी थी विभूषित करवामां आव्या। ज्ञान संप्रदायना सप्तम कुबेराचार्य श्री अविचल दास जी महाराज नी प्रेरणा थी चतुर्दिवसीय परम गुरु शारदीय द्विशताब्दी महोत्सव उजवामां आवी रह्यो छे। आ महोत्सवनी उजवणीना भागरूपे विराट धर्म सम्मेलननुं आयोजन करवामां आव्युं, जेमां पधारेल अखिल भारतीय संत समितिना पदाधिकारीओ अने विविध परंपराओना आचार्यश्रीओ, महामंडलेश्वरो श्री महंतो अने जगदुरु शंकराचार्य, जगदुरु रामानंदाचार्य द्वारा आचार्य श्री अविचलदासजी महाराजना जीवनकार्यो, सामाजिक, शैक्षणिक अने हिंदु धर्म जगतमां अभूतपूर्व राष्ट्रीय योगदान बदल जगदगुरुनी पदवीथी विभूषित करवामां आव्या। हवेथी आ आचार्यश्रीने अनंत विभूषित श्रीमद जगद्गुरु कुबेराचार्य अविचलदाराचार्य महाराज श्री तरीके संबोधवामां आवशे। आ बाबतनी घोषणा अखिल भारतीय संत समितिना खाड़ा परिषद परम अध्यक्ष परम पूज्य श्री महंत रविन्द्रपुरी जी महाराज द्वारा करवामां आवी अने तमाम संतो द्वारा सहर्ष वधावी लेवामां आव्या हता। आजे शारद द्विशताब्दी महोत्सवनुं धर्म सम्मेलन जेमो भारतभरना तमाम अखाड़ाओं प्रतिनिधित्व तेमज विभिन्न संप्रदाय आचार्यों प्रतिनिधित्व जैन समेत बदा उपस्थित रहा। सम्मेलन तो शारद द्विशताब्दी महोत्सव नतु एले परमगुण प्रागट्य शारद शताब्दी महोत्सव साथ साथ अपनी गादी 51 वर्ष पूरा थता था एटले सुवर्ण जयंती गादी अभिषेक महोत्सव पण हतो। परंतु संतोए एमनी स्वेच्छाथी एमना प्रेम आग्रह थी बधा एवी रजूआत करी गई काले कि अमारे तमने जगतगुरुना पद पर जोवा छे अने दरेके दरेक संप्रदायनी अंदर जगतगुरु एमना पोताना संप्रदायना होय अने तमे तो मात्र संप्रदाय पूरता मर्यादित नथी, समग्र हिंदू समाज साथे तमारो नातो छे, अखिल भारतीय संत समितिना राष्ट्रीय अध्यक्ष छो, जे संत समिति भारतना 127 संप्रदायनों प्रतिनिधित्व करती होय अने राष्ट्रीय अध्यक्ष होय तो तमारा माटे जगतगुरु टाइटल ए योग्य छे अने मने बधाने लागे छे होवुं जोईए। एटले मैं स्वीकार्युं कि मने वांधो नथी, बाकी मारी कोई अपेक्षा नथी। तो ए रीते आ बधा संतोए मळीने जगतगुरु तरीके मारो आजे एमने बधाए भेगा थईने विधिवत पट्टाभिषेक कर्यो अने तमाम अखाड़ाओ, अखाड़ाना प्रतिनिधिओ, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर वगैरह बधाने जे विधि जे फॉर्मालिटी होय छे ए फॉर्मालिटी प्रमाणे एमने आपणे जगतगुरु पद आप्युं छे सन्मानपूर्वक। अने मने लागे छे के आ गादी उपर एक और यशस्वी नाम आव्युं छे ए बधा संपदाना अनुयायी माटे पण बहु गौरवनो विषय छे अने एक हिंदू समाजना हवे जगतगुरु पद मळ्युं एटलું માત્ર એક સંપ્રદાયનો નહીં પણ સમગ્ર સનાતન હિન્દુ ધર્મનો જ આચાર્ય તરીકે એ મારી સ્થિતિ ઊભી થાય છે, મને આનંદ છે। કાર્યોમાં તો એવું છે કે ભાઈ અત્યારે હિન્દુ સમાજના સંગઠનની બહુ જ તાતી જરૂરિયાત છે અને સાથે સાથે હિન્દુ સમાજ બે પ્રકારના પડકારો સામે લડી રહ્યો છે, બાહ્ય પડકારો અને આંતરિક પડકારો। તો બાહ્ય પડકારો સામે સમાજને સંગઠિત કરવો અને આંતરિક પડકારને મટાડવા માટે અલગ અલગ સંપ્રદાય વચ્ચે, અલગ અલગ જ્ઞાતિઓ વચ્ચે, સમાજો વચ્ચે જે કંઈ અંતર છે એને દૂર કરી અને એક આખો સમરસ સમાજ ઊભો કરવાનો એ દિશામાં વિશેષ કાર્ય કરવાની મારી રુચિ છે અને એ જ જરૂરી વાત, જરૂરી પણ ધર્મરક્ષા માટે અને રાક્ષસ રક્ષા માટે। એટલે અમે આગામી દિવસમાં આના ઉપર વધારે ઝોક આપીશું।